slopes somewhere are so steep, it is firstly not a blacktop, and slopes are so steep that your vehicle heats up so much, you have to apply 4x4 low. ग्रेडियंट ज़्यादा है, सरफेस ठीक नहीं है, एयर रेरिफाइड है, मक्खन की तरह चढ़ गई. अब नहीं है कुछ भी, अब यही था जो मेरे को सबसे मुश्किल लगा था, वो यही लगा था. मेरे को तो मिशन था उस दिन यहाँ गाड़ी लाना ना, मिशन फॉर मी. कब मौका ले लिया ना, कब ये मैं आग लगा रही है ना. टैंक जहाँ ना पहुंचे वहाँ इसको लेके, टैंक से पहले पहुंचे ना, अपना काम संभालो और फिर टैंक पहुंचा दो बाद में. अरे मैंने घों वाली आवाज नहीं सुनी इस गाड़ी की, दम लगा दम दम लगा रही हो कहीं मत सुनूं. और जो एलिवेशन है ना, उस एलिवेशन का आइडिया आप यहां से लगा सकते हो. अब हम लोग उतर रहे हैं डैम चौक की तरफ. डैम चौक इज लास्ट विलेज ऑन दिस रूट, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया ऑन दिस रूट. इट इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ लद्दाख, साउथ ईस्ट लद्दाख का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट. देयर इज आल्सो मॉडल विलेज दैट हैज बीन सेट अप ओवर देयर. इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आल्सो. यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट एट द कॉर्नर ऑफ द कंट्री देयर इज अ पर्टिकुलर विलेज व्हिच हैज सो मच इंफ्रास्ट्रक्चर. दे हैव सोलर गीजर्स, दे हैव सोलर लाइट्स. They have a public health center. It's beautiful. ये इतना steep है when you actually come down from Amlingla to Dam Chowk की गाड़ी ना, अगर आप लोगों ने, ठीक है मैनुअल गाड़ियों में तो आप ऑब्वियसली यू नो कि गियर में डालते हो, पर कई लोग को आदत नहीं होती है ऑटोमेटिक गाड़ियों में गियर लॉक करने की. और गाड़ी यहाँ पे कितनी स्पीड पकड़ ले आपको पता नहीं है, इतना स्टीप है ये कि पूछो मत. और जो जिस गाड़ी का कूलिंग सिस्टम ठीक नहीं है वो तो ऊपर चढ़ते टाइम ओवर हीट होना कंफर्म है. यहाँ से डैम चौक से उमलिंगला चढ़ना इज मोर डिफिकल्ट. ऑब्वियसली इट इज, मैंने देखा है ना चढ़ के, गाड़ी को पता लगता है कि यू आर गोइंग अप. मतलब उस तरह की चढ़ाई है जैसे मैं भी शॉर्टकट वाला था. तो जब हम आए थे पिछली बार तो हमने पंगा नहीं लिया क्योंकि हमारी जिप्सी ने जिप्सी पे तो देखो लोड आता है, हमें बोल दिया था कि अब मत करो मेरे साथ और ज्यादती. हमने दूसरा वाला रूट लिया, नीचे वाला. अभी एक चीज मस्त वाली, सामने जो रेड वाले पहाड़ है दीज आर कैलाश रेंज. तो जो उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर वाला सेक्शन जो खुला है वो इन्हीं पहाड़ों की कनेक्टिविटी है पीछे वो वाली. तो अब वही समझ सकते हैं कि वो देखो वी आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, वो दूसरी जगह से घुसेंगे, बट लाइक वी आर एट अ पॉइंट जहाँ पे वो चीज़ें मर्ज होती हैं आपस में. जो कैलाश रेंज के सामने एक पैच दिखाई देता है, ओके, व्हिच इज इन द शेप ऑफ अ एरो, ओके, दैट एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स कैलाश मानसरोवर. तो इट इज अ नेचुरली मेड एरो ऑन द ग्राउंड, मतलब ऐसे एरो जैसा वो दिखता है सिर्फ वो लैंडस्केप है. ओके, एंड उसकी खासियत ये है कि कितनी भी बर्फ पड़ जाए उस मार्क के ऊपर कभी बर्फ नहीं पड़ती. ओके, सो दीज आर द स्मॉल वंडर्स दैट वी हैव अराउंड अस. मानसरोवर तो नहीं, लेकिन हम वहाँ छोटा कैलाश पर जरूर जाएंगे. ओके, छोटा कैलाश के बारे में माना जाता है, लोकल्स का ये एक बिलीफ है कि अगर छोटा कैलाश के 11 चक्कर आपने मारे हैं, ओके, तो इट इज इक्विवेलेंट टू विजिटिंग कैलाश मानसरोवर. ओके, पैदल. दिस इज कैलाश रेंज, राइट? कैलाश रेंज. और ये कितने किलोमीटर में स्पैन होती है? ये दिस एंटायर वैली इज अबाउट 140 किलोमीटर्स टू इट. ओके, ये तो ऐसे लग रहा है हेवन का रास्ता है जैसे. ये और दिखता सबसे अच्छा इधर से ही है. एंगल चेंज होते फिर नहीं दिखेगा, ये कहीं और से नहीं दिखता. मतलब मैं बताऊँ, अमलिंग जिन से नीचे उतरो एंड सामने इंडिया गेट इतना प्यारा दिखता है, इतना प्यारा दिखता है. आप देखो सही एक बार की गेट वे टू हेवन लग रहा है.
हेमिस में इंडिया की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है हेमिस मॉनेस्ट्री, ओके, व्हिच इज नियर कारू, ओके, वहाँ से एक खोलो देचौक नाम के गॉड है, ओके, बुद्धिस्ट में, उनका एक रिलिक एक वो इंस्टॉल करा हुआ है यहाँ पे, ओके, बहुत ही प्यारा लगता है. And it symbolizes that Khollo Dechok is facing China and guarding us from them. And performance check is pe bahut tagda hoga. Is pe performance se bahut tagda hoga, bilkul sahi baat hai. Bahut acha is pe hoga. Dekhne se lag raha hai it's something. तो दोस्तों सामने जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज छोटा कैलाश. ये कैलाश रेंज है जो हमें इधर दिखाई दे रही है रेड वाली, और ये छोटा कैलाश है. अब ये जो पहाड़ है ना इसके ऊपर चढ़ना इज नॉट अ जोक. अब हमें हमारे भाई साहब बताएंगे कि क्या होता है जब इस पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी जाती है. पहले तो जैसे इस पे आप चढ़ाने लेकर चलोगे तो 4x4 गाड़ी अगर नहीं है तो पहले तो आपको जाने नहीं देंगे. ओह, क्योंकि इनको पता है कि अगर एक 4x4 के अलावा की गाड़ी गई तो ये मात्र 5 मिनट बाद हमारे लिए सिरदर्द बन जाएगी, क्योंकि ये रिकवर करके लानी पड़ेगी. तो 4x4 गाड़ी अगर नहीं है तो जाने देते नहीं है. सेकेंडली 4x4 व्हीकल्स कैन गो एंड देर इज अ बोर्ड द एंट्रेंस व्हिच विल से कि नाउ इज द टाइम फॉर यू टू प्लाई योर 4x4 बिकॉज फ्रॉम हेयर ऑन 4x2 इज यू कैन लूज योर होप टोटली ऑन 4x2. एंड एज यू स्टार्ट क्लाइंबिंग इट द स्लोप समवेयर आर सो स्टीप इट इज फर्स्टली नॉट अ ब्लैक टॉप एंड स्लोप्स आर सो स्टीप that your vehicle heats up so much you have to apply 4x4 low. High पे तो जाती नहीं, जो मैं गाड़ी पिछली बार लेकर आया था low पे ही गई. and उसमें भी in this mountain if you can see it again मेरे को 2 बार गाड़ी रोकनी पड़ी ओवर हीटिंग की वजह से. गाड़ी रुकी, ओवर हीट हुई, मैं फिर से ठंडी हुई, फिर मैं चला के ले गया. ये जो सामने loops दिख रहे हैं इसी के ऊपर चढ़ने के? बिल्कुल. अब देख लो यार ये कहने की बातें हैं सारी की, और ये जगह एक्सेसिबल भी नहीं है. नॉट एक्सेसिबल, इसके लिए स्पेशल परमिशंस लेनी पड़ेंगी. आर्मी जब अलाउ करेगी तभी आप वहाँ जा सकते हो. वी विल ट्राई कि हाथ वाथ जोड़ के कि अगर पॉसिबल हो पाए तो. पर चलो चलते हैं, लेट्स ट्राई. अगर जा पाए तो आज हाइलक्स की बढ़िया टेस्टिंग होने वाली. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वाली टेस्टिंग. अगर ये ओवर हीट भी नहीं हुई, कोई इशू भी नहीं हुआ. मुश्किल वाला वो वाला स्ट्रेच है जो हमें वो दिख रहा है ना, वो दिख रहा है जो जो ऊपर एकदम यहाँ से दिख नहीं रहा. एक्चुअली बहुत लंबा और बहुत स्टीप है वो. बस चलते हैं तो, लेट्स गो. दिस इज द सेकंड टाइम आई एम कमिंग हियर. सफारी पे तो मतलब मेरे को इतनी कंफर्टेबल ड्राइव लगी नहीं सफारी की. बहुत वॉबली है. चढ़ना शुरू कर दिया है कैलाश, मिनी कैलाश. छोटा कैलाश पे हमने चढ़ना शुरू कर दिया. यहीं से हमें पता लग रहा है कि यस कि ये इतना छोटा भी नहीं है. जी जी, डिमांड्स लॉट ऑफ पावर. तो अभी हम चल रहे हैं 4 हाईवे, क्योंकि स्टीप है तो जितना ग्रिप मिलेगा उतना अच्छा. टॉर्क की डिमांड अभी नहीं है, टॉर्क की डिमांड अभी आने वाली है. देन वी विल शिफ्ट टू 4 लो. यहाँ पे चलाना है स्किल. अब गाड़ी को थोड़ा सा ईज अप करने के लिए लेट्स गो टू 4. शान के खिलाफ है. शान के खिलाफ है. आपका वीकेंड जल्दी खराब हो गया.
की तरह चढ़ गई। अब नहीं है कुछ भी, अब यही था जो मेरे को सबसे मुश्किल लगा था, वो यही लगा था। अब इसके बाद तो नॉर्मल जैसे हिल्स होते हैं वैसा। सरप्राइज तो मैं हुआ कि बिल्कुल चू रखने करी गाड़ी ने, ग्रेडियंट ज्यादा है, सरफेस ठीक नहीं है, एयर रेरिफाइड है। That's what gives you like 60 साल की मेहनत। मिशन था उस दिन यहाँ गाड़ी लाना ना, तो मिशन फॉर मी गाड़ी पे डिपेंड करता बहुत ज़्यादा। अब अगर आपने ऐसा सुना होता कि अब देखो ऑटोमेटिक चला रहे ना, कंट्रोल देखा आपने कहीं पे, हमें ये भी लगा हो कि जरा सा कि स्ट्रगल है। नहीं, मेरा वो ऑटोमेटिक वाला मिथ तो आज टूट गया वैसे देख के ना। था बहुत टाइम से था मेरे दिमाग में बिल्कुल। मैं तो क्यों पूछा आपसे कि मेरे को थार कौन सी लेनी चाहिए, ये टर्न्स मजाक नहीं है और वो भी इतनी लंबी गाड़ी के लिए। बिल्कुल I just can't get over this valley. यहाँ से और ज़्यादा सुंदर लग रही है। बहुत प्यारी है। 10-15 ना आर्मर्ड में Hilux गन लगा के रखो। सच में। कब मौका मिल रहा है ना? कब ये मैं कह रहा हूँ आग लगा रही है ना? टैंक जहाँ ना पहुँचे वहाँ इसको लेके। टैंक से पहले पहुँचे ना, अपना काम संभालो और फिर टैंक पहुँचा दो बाद में। फिर मैंने घों वाली आवाज नहीं सुनी इस गाड़ी की, दम लगा दम दम लगा रही हो कहीं मैं सुनूं। अब हम लोग छोटे कैलाश से नीचे उतर रहे हैं और दो चार बैंड हम ऑलरेडी उतर चुके हैं और जो एलिवेशन है ना, उस एलिवेशन का आइडिया आप यहां से लगा सकते हो। जिस जगह पे मैं हूं और जो आपको दिखाई दे रहा है शायद पता नहीं किसको दिख पाएगा, और वो देखो नीचे लाइक इट्स क्रेजी हाई है, मतलब आई कैन टेल यू हम लगभग 2,500 feet चढ़े हैं यहाँ पे। एक हिल 2,500 से 3,000 feet हाइट की हिल है और अच्छे बिल्कुल टाइट हेयर पिन बैंड्स हैं। गाड़ी ने फुल परफॉर्म किया है और जिसने भी इसको देखा है एवरीबॉडी इज इम्प्रेस्ड। वेरी नाइस। तो चलो जी लेट्स गो डाउन, बहुत लंबा सफ़र है हमारा एंड
इसने अपने आप को प्रूव किया आज की जस्ट टू इजी फॉर इट। हम फुटीला पास पहुंच गए। मैं एक्चुअली हम वापस जा रहे थे फ्रॉम डैम चौक, बट लाइक हमें लगा ये शॉर्टकट है और हमने रास्ता लिया तो फुटीला पहुंच गए। बाकी प्लान नहीं था बट रियली गुड। इधर बोर्ड लगा हुआ है मिट भी गया है। हाइट कितना है? हाइट तो लिखा हुआ है सिक्स्थ हाईएस्ट। हाइट नहीं लिखी है। हाइट इसमें पीछे लिखी है। यस ये साफ है। 24 वही कहना 18,000 प्लस का पास है। yes. हम लोग हल्के में ले रहे थे ऐसे कि मुझे भी लगा यार कि ऐसे तो रास्ता नहीं हो सकता, नॉर्मल रास्ता है ये तो कुछ है। सिक्स्थ हाईएस्ट मोटरबल पास। वेरी नाइस। चलो गलती से ही सही फुटीला पास हो गया आज। फुटीला पास की चढ़ाई इफ यू वांट टू आस्क मी ज़्यादा है, हमेशा आपको ज़्यादा लगेगी फुटीला पास की चढ़ाई। आपके एक्सपीरियंस में भी फुटीला पास की चढ़ाई ज़्यादा है ना? बिल्कुल डाउट नहीं, मतलब क्रेजी स्टीप था। ज़्यादा स्टीप है एनी डे।